हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टारगेट आरबीआई चैनल ऑफ आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स आरबीआई असिस्टेंट 2023 के प्री एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं कल भी एग्जाम होंगे सो प्री एग्जामिनेशन का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो गया है आइए इसका एनालिसिस देखते हैं सो so, देखते हैं क्या इसका पेपर का पैटर्न रहा तो आपको पहले बता ओवरऑल जो इसका लेवल था हर बार की तरह एग्जाम बिल्कुल आसान आया द लेवल वॉज ईजी सारे क्वेश्चन हो रहे थे हर सेक्शन में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश के थर्टी क्वेश्चन और मैथ्स uh, और रीज़निंग के के दोनों क्वेश्चन आते हैं एक घंटे का टाइम मिलता है और हर एक के लिए आपको ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट मिलते हैं तीनों सेक्शन के लिए सो so, ओवरऑल यहाँ पे जो पेपर था सॉरी ओवरऑल <coughs> जो आपका पेपर था वो लेवल बिल्कुल आसान था <coughs> अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहां पे आराम से 26 27 क्वेश्चन हो पा रहे थे मैथ्स और रीजनिंग में लगभग मैथ्स के अंदर जो है वो 28 29 30 के आसपास क्वेश्चन इजीली हो रहे थे और रीजनिंग में जो है वो 31 32 क्वेश्चन इजीली हो पा रहे थे लगभग 30 के आसपास तो पेपर बहुत आसान है जिसमें आप 90 95 के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हो Uh, कई कई स्टेट में जहां पे कट ऑफ कम है वहां पे अगर आप 80 टू 85 भी करोगे तो हो सकता है कुछ स्टेट में काम चल जाए बट जो ट्रेंड है कट ऑफ है वो यही है कि हर स्टेट में जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 90 के आसपास रहती है कई जगह पे 90 से ऊपर भी रहती है तो यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है इस बार भी सो पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन में क्या क्या आया <coughs> क्वांट में जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं क्वांट वाज इजी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए लगभग बारह क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं इसके थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं आप जिनका भी एग्जाम हो गया है एक बार कंफर्म करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइव क्वेश्चन आए तो ये सत्रह अठारह क्वेश्चन जो है एज यूजल एक्सपेक्टेड होता है जो क्वांट को आसान बनाता है एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट हो सिंप्लीफिकेशन के बारह क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के पांच क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे नहीं आई है आगे वाली शिफ्ट में ये हो सकता है कि क्वाड्रिक क्वाड्रेटिक की जगह सीरीज आ जाए तो ये 18-20 क्वेश्चन आपको तय है मिलने ही मिलने हैं इसके बाद आपका डीआई दो एक्सपेक्टेड होते हैं तो दो डीआई यहां पे आए हैं बिल्कुल एक आपका टेबुलर डीआई आया है और दूसरा आपके पास केसलेट डीआई आया है इसमें आपके पास पांच क्वेश्चन थे इसमें चार क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट तो नौ क्वेश्चन आपके जो है वो डी के आए थे तो जो टेबुलर डी था वो मंथ बेस्ड था कुछ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप से उसके अंदर कुछ टेबल दिया हुआ था और एक केसलेट अलग से पूछा दोनों ही बहुत आसान थे आराम से हो रहे थे और बाकी क्वेश्चन थे आपके अरिथमेटिक अरिथमेटिक के दस क्वेश्चन थे एक आपके पास इसमें से पार्टनरशिप का क्वेश्चन था एक टाइम एंड वर्क का था एक आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का था एक परसेंटेज का था एक इंटरेस्ट का था एक मेंसुरेशन का था और भी आपके पास यहां पे दो तीन क्वेश्चन और आए हुए थे तो स्टूडेंट्स ये था क्वांट का सेक्शन बेहद आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट लेंदी प्रॉब्लम नहीं था यहां पे

मैथ्स में क्या है कि सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक के 20 क्वेश्चन बड़े आसान आ जाते हैं इसलिए वो जल्दी हो जाता है तो ऐसे वैसे तो नॉर्मली रीजनिंग आसान होता है लेकिन इस पेपर में रीजनिंग उतना उतना आसान नहीं होता जितना क्वांट है ये क्वांट में 20 क्वेश्चन तो आसान हो गए सिंपली यहाँ आपको थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम मिलती है तो उतना आसान नहीं है क्वांट जितना बट इजी मॉडरेट टाइप ही था क्योंकि ये रीजनिंग थोड़ा लेंदी बच्चों को वैसे ही लगता है तो पजल्स क्या क्या है यहां पे <coughs> सबसे पहले स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसके अंदर आठ लोग थे और अंदर वाले लोग जो थे वो बाहर देख रहे थे कॉर्नर वाले जो थे वो बाहर देख रहे थे और ऐसा था बीच वाले इनसाइड आउटसाइड दोनों वाले केस थे इसके अलावा यहां पे एक और पजल आया बॉक्स बेस बॉक्स बेस पजल आया है और एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी यहां पे आया है तो आपके ये तीन पजल हो गए क्वेश्चन सब में पूछे गए तो आपके पंद्रह क्वेश्चन ये हो गए जो पजल वाले थे ठीक है तो पजल के आपके यही क्वेश्चन आए तीन पजल यहाँ पे आई है एक बॉक्स बेस आया एक डेजिग्नेशन आया है और एक स्क्वायर तो अब यही चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी स्क्वायर की जगह हो सकता है सर्कुलर दे दे कोई और अरेंजमेंट दे दे बॉक्स की जगह फ्लैट वाला दे दे या फिर डेजिग्नेशन की जगह कोई और वेरिएबल डाल दे तो आपको ऐसी ही तीन पजल देखने को मिलेगी आगे वाली शिफ्ट वाले स्टूडेंट ध्यान रखें कोई बड़ा चेंज नहीं है जैसे हर बार पेपर में आता है आरबीएस स्टंट के वैसा ही है और बाकी क्या आया आसान चीजें यहाँ पे नंबर सीरीज के तीन क्वेश्चन आए हैं तीन से चार क्वेश्चन सॉरी पांच क्वेश्चन और ये तीन डिजिट वाले नंबर थे जैसे 148, 247, 349 वो नंबर बेस्ड सीरीज होती है ना और उसके ऊपर फिर पांच क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ पे पूछे गए इसके अलावा एक और सीरीज आई यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन इसके, इसके <coughs> के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है चार क्वेश्चन है शायद और इसमें ओनली ए फ्यू वाले ज्यादा थे एज एक्सपेक्टेड सिलॉक्स में ओनली ए फ्यू ही आता है भर भर के तो वो यहां पे पूछा गया है प्लस ब्लड रिलेशन के भी दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस कोडिंग डिकोडिंग का एक नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन है सिंपल वाला फॉर्म वो पूछा गया है साथ के साथ जो पेयर फॉर्मेशन वाला था वो भी क्वेश्चन पूछा गया और एक जो वर्ड के ऊपर दिया होता है जिसमें वॉवल में प्लस वन कंसोनेंट में माइनस वन ऐसा करना होता है वो भी था उसमें जो वर्ड दिया हुआ था वो क्वालिटी था क्वालिटी वर्ड के ऊपर आपको वोवल में प्लस वन या कॉन्सोनेंट में माइनस वन ऐसा करना था तो रीजनिंग वॉज क्वाइट ईजी थोड़ा लेंदी बच्चों को लगता है तो यहां मुझे लगता है कि आराम से उनतीस तीस क्वेश्चन बन सकते हैं राइट इंग्लिश right? <coughs> की बात करते हैं इंग्लिश में एक आरसी आया एज एक्सपेक्टेड आरसी जो है वो नौ दस क्वेश्चन आपको देके जाता है तो ये आरसी स्टोरी बेस्ड था रिजर्वेशन बेस्ड था कुछ टाइम जोन बेस्ड था इस टाइप से बच्चे बता रहे हैं और एरर डिटेक्शन बहुत सिंपल आया पांच क्वेश्चन वर वेरी इजी इसके अलावा पूरा का पूरा इंग्लिश जो था बहुत आसान था सिंगल सिंगल फिलर फिलर आए अगर आ जाए तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता डबल फिलर में फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है सिंगल फिलर जो है वो बिल्कुल आसान था इसके अलावा पैरा जंबल की बात करें तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पैराजंबल में छह सेंटेंस दिए हुए थे और उस पर छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इसके अलावा आपको स्पेलिंग करेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है स्पेलिंग करेक्शन जो था वो भी आपको पांच क्वेश्चन दिए गए हैं तो इंग्लिश वॉज क्वाइट इजी मुझे नहीं लगता इसमें छब्बीस सताइस नंबर किसी के कम आने चाहिए जिसने भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ा है आराम से तीस के तीस क्वेश्चन करे होंगे एक दो गलत हो गए तो बस ठीक है तो यानी कि यहाँ पे आपको तीनों सेक्शन के मिला के नाइनटीन नाइनटी फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे एज पर द कट ऑफ हर स्टेट की अलग अलग जाती है <coughs> तो स्टूडेंट जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है आपने देख लिया होगा क्या क्या आ रहा है जल्दी से फटाफट से प्रैक्टिस कर लीजिए जिनका कल है उनके पास आज मौका है प्रैक्टिस करने का जिनका आज है उनके लिए तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है यहाँ पे क्योंकि आपने जितनी तैयारी की होगी वैसे ही आपको जाना है सो ऑल द वेरी बेस्ट जिसका भी अब एग्जाम आने वाला है जिसका हो गया आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना अगर आपने नाइनटी नाइन्टी के बीच में अटेम्प्ट किए हैं 85 से 95 के बीच में तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए बहुत कम किए हैं तो फिर होप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ कट ऑफ ज्यादा रहती है असिस्टेंट में सो so, जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आने के चांसेस लग रहे हैं वो दोबारा से प्री एग्जाम की किसी की तैयारी करें और जिनका आपका पेपर अच्छा हुआ है वो मेंस की तैयारी में लग जाए वैसे दोनों की तैयारी साथ साथ करिए क्योंकि कुछ एग्जाम आगे भी आने वाले हैं जैसे एस बी आई कलर का चुका है आप सबके लिए सो मेमोरी बेस्ड पेपर आज का विल बी लाइव टुडे आज के बेसिस पे पहला टेस्ट हमारा लाइव हो जाएगा आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स और जिनका एग्जाम हो गया है प्लीज बताइएगा इसमें से क्या क्या आपको दिखा वहां पे जो मैंने आपको बताया कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात की तो पता चला है आप भी बताइए आपका पेपर कैसा गया कितने आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस भी आपको याद है तो प्लीज शेयर करिए कॉमेंट में शेयर कर दीजिए या फिर मेल पे शेयर कर दीजिए हेलो एट द रेट आई एग्जाम भी डॉट कॉम आप मेल पे भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ क्वेश्चन हैलो एट द रेट एग्जाम डॉट कॉम और आप <coughs> यहाँ कॉमेंट में भी लिख सकते हैं सो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा प्लीज बताइएगा जरूर और ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए जल्दी से आप आगे की तैयारी करते रहिए एस बी आई कलर की भी आ गया है और भी बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे तो उनकी तैयारी करते रहिए थैंक यू ऑल द बेस्ट